हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग देखे हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम और रिलेटेड चीजें, और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की कुछ इक्वेशन देखे थे। ऑन योर स्पेशल इंटरेस्ट आई वांटेड टू शेयर समथिंग अबाउट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफिकली। चलिए मैं आपको पहले केस बताता हूं। बताओ कि ये जो कोई एक डायग्राम है, ये अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम है तो बताओ ये एक्सीलरेशन का है कि रिटार्डेशन का है? रिटार्डेशन का है। अच्छा, ये अगर रिटार्डेशन का है तो बताओ ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिख रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। केस बदल देता हूं, ये एक्सीलरेशन का है कि रिटार्डेशन का है? इसमें भी रिटार्डेशन, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं रिटार्डेशन हो रहा है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग। लेकिन देखो तो शुरू शुरू में टान थीटा निकालो तो थीटा वाज मोर, बाद में थीटा कम हो गया, और आप जानते हो कि थीटा घटने से टान थीटा घटता है, टान जीरो जीरो होता है, नहीं? तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टान थीटा बढ़ेगा। यहां पर देखो, शुरू शुरू में इस समय पे जितना थीटा था, इस समय में उससे कम थीटा, मतलब थीटा इज डिक्रीजिंग। थीटा इज डिक्रीजिंग मीन्स द स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग मीन्स द रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग। दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। समझ में आ गया? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा था, शुरू शुरू में उसका रिटार्डेशन क्या था, से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अब भी रिटार्डेशन है, स्पीड घट रहा है, पहले जल्दी जल्दी घट रहा था, अब धीरे धीरे घटने लगा। समझ में? मान लो कि कोई एक सरफेस है, ये वाला जोन बहुत ज्यादा रफ है, वेरी रफ, और ये वाला जोन उससे थोड़ा लेस रफ है। अगर कोई ब्लॉक को हम ऐसे फेंकेंगे जो वेरी रफ जोन है, वहां पर उसका स्पीड जल्दी जल्दी घटेगा, लेकिन यहां पर स्पीड धीरे धीरे घटेगा। दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरे एग्जांपल लेके सोचिए। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक पाथ है जो दिखने में ऐसा, ये कोई फ्लोर ऐसा, कोई एक फ्लोर ऐसा है, आप इसके ऊपर कोई ब्लॉक को फेंकते हो, शुरू शुरू में जब चढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ाई है, तो वेलोसिटी जल्दी जल्दी घटेगा, लेकिन जब वो यहां पर आ जाएगा तब भी वेलोसिटी घटेगा, लेकिन जल्दी जल्दी घटेगा कि धीरे धीरे घटेगा? धीरे धीरे घटेगा। तो हम कहेंगे रिटार्डेशन तो था, लेकिन ये जोन में रिटार्डेशन बहुत ज्यादा था, ये जोन में रिटार्डेशन कम है। दोनों ही केस में स्पीड इज डिक्रीजिंग, दोनों ही केस में द स्पीड इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, द बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन, बट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वाज मोर इन दिस जोन एंड लेस इन दिस जोन। हम कहेंगे द रिटार्डेशन वाज डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा बताओ, अगर यहां पे कोई एक सरफेस दिखने में ऐसा, कोई एक स्लाइड, आप तो देखियो स्कूल वगैरह में होता है, बच्चे इसमें स्लाइड करते हैं। अब कोई एक स्लाइड में यहां से कोई बच्चा फिसलने लगा, ठीक है? जब फिसल रहा है बच्चा तो ऑब्वियसली उसका स्पीड बढ़ रहा है। ये जोन में स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ रहा है कि ये जोन में स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? पहला वाला में जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज मोर एट ए और बी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक्सीलरेशन ज्यादा था, यहाँ पर एक्सीलरेशन कम हुआ, यहाँ पर एक्सीलरेशन और कम हुआ, यहाँ पर और कम हुआ, धीरे 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 एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा और नीचे आके पहुंच जाएगा। तो बताओ ये कौन सा केस हुआ, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। मतलब अभी अगर हम डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन की इसकी करेस्पॉन्डिंग डायग्राम करने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम, आप जानते हो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन शुरू शुरू में एंगल ज्यादा था, धीरे धीरे एंगल कम होने के कारण स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो मोशन होगा उसका करेस्पॉन्डिंग मोशन ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सपोज मैं आपको केस बदल देता हूं फिर से, कोई पूछा तो मैं बता रहा हूं। सपोज कोई एक स्कूल में गलती से जो इंजीनियर था, कहां से आया था क्या मालूम, ऐसा वाला स्लाइड बनाया। अब कोई लड़का यहां से फिसल रहा है, यहां से अगर वो लड़का फिसलते हुए आएगा, ए में उसका स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगा कि बी में उसका स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगा? तो उसका एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो मोशन इज यूनिफॉर्म, इंक्रीज इन एक्सीलरेशन मोशन।
अब अगर इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम करेंगे, हम तो देख चुके हैं कि ये हो गया कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, ये हो गया डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इस केस में देखो, शुरू शुरू में एंगल छोटा था, धीरे धीरे एंगल बढ़ने लगा, स्लोप बढ़ने लगा, है कि नहीं? मतलब एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो ये वाला केस के लिए आपका डायग्राम होगा ये वाला केस के लिए डायग्राम होगा ये। तो तीन सा लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर वो तीन लाइन, हाँ वो बता रहे। एक हो गया कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, ये हो गया इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपने पूछा कि सर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिफरेंस बताओ। क्या मैं ठीक से आपको समझा पाया? Yes. अगर मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया ऐसे आपको लगता है तो यू स्मार्ट वन। नाउ डू दिस, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां पर मैं कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हूं और यहां पर उसका करिस्पोंडिंग फीचर को लिखा हूं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, ऐसे करके ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी। और यहां पर कुछ ग्राफ्स दिया गया है, ध्यान से देखो। एक ग्राफ दिया है ऐसे, एक ग्राफ दिया है ऐसे, एक ग्राफ दिया है ऐसे, एक दिया है ऐसे, एक दिया है ऐसे, पूरा घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा ग्राफ दिया। मान लो कि ग्राफ का नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा ग्राफ कौन से स्टेटमेंट को मैच करता है आपको बताना है। तो पहले लिखो, आप लोग एक एक करके चेक करेंगे कौन सा ग्राफ कौन सा स्टेटमेंट को मैच कर रहा है। अगर समझ में आ गया तो ठीक ठाक बताओ। क्या आप लोग इसको कर सकते हो पहले बताओ? करो फिर जल्दी करो। ओके, लेट अस सी हियर। पहले हम शुरू करते हैं वन से। नंबर वन बताइए, नंबर वन पहले बताओ वेलो एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन? वेरी गुड, पक्का पीछे अच्छे अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे हो। देखो, शुरू शुरू में ज्यादा एंगल कर रहा था, बाद में एंगल घट रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। सो नंबर वन हो गया डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। नंबर टू इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? कॉन्स्टेंट और वेरिएबल? नंबर टू इज कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। मस्त है, बढ़िया है, आप लोग तो मस्त बोल रहे। नंबर थ्री एक्सीलरेशन है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन? देखो, पहले एंगल छोटा था, फिर एंगल मोटा हो गया, थीटा बढ़ेगा तो टान थीटा बढ़ेगा, टान थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। सो यू से इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। नंबर थ्री और इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, हाँ ये ऊपर ही है, थोड़ा ग्रेविटी के चलते नीचे आ गया यहाँ पर। हाँ तो ये अब नंबर फोर, नंबर फोर बताओ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नंबर फोर इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, नंबर फोर इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नंबर फाइव एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन
यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? देखो तो हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग रिटार्डेशन? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब नंबर 5 इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन नंबर 5 हियर, और नंबर 6 नंबर सिक्स क्या है? कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन इज नंबर 6। तो जो बच गया वही होगा 7, क्यों इतना दिमाग लगाया है ना? हाँ, क्या रोशन का सारा डाउट क्लियर हो गया? यस। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कर रहे थे, जब ये ग्राफिकल अप्रोच कर रहे हैं तो थोड़ा सा और चीज बता देते हैं अबाउट एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम मतलब कोई पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आ रहा है उसके चलते जो एक्सीलरेशन हो रहा है उस एक्सीलरेशन को प्लॉट करने वाले। अब सोचो कि कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन समय के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग एक्सीलरेशन था, तो आप क्या देखोगे? शुरू शुरू में वो पार्टिकल का यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ ये था, जब इस समय पे पूछा तो एक्सीलरेशन कुछ दूसरा था। यू क्लियरली सी दैट इट्स पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ एक्सीलरेशन बढ़ रहा है ना, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे दिखेगा? इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल बी समथिंग लाइक इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, मींस इट विल बी लाइक दिस, है नहीं? लेकिन हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम नहीं पूछ रहे, कुछ दूसरा पूछ रहे। ये हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम, कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन का वेरिएशन विद टाइम बना रहे। इसमें बहुत सारा चीज नहीं बताना चाहेंगे, बस एक छोटा सा चीज बताना चाहेंगे कि इन दिस डायग्राम द एरिया अंडर डायग्राम, एरिया अंडर डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। कैसा हुआ सर? अरे भाई विश्वास कर लो, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपको होगी तो गीता पे हाथ रख के बोल देंगे, लेकिन थोड़ा सा बोल देते हैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कि कैसे हो रहा है। इफ आई गो फॉर ए थिन स्ट्रिप एरिया हियर, dt इज ए स्मॉल टाइम इंटरवल, व्हाट आर दिस एरिया रिप्रेजेंट? दिस स्मॉल एरिया dA, स्मॉल एरिया d इनटू a नहीं है, dA मतलब स्मॉल एरिया, कितना है? हाइट इनटू विड्थ, adt। लेकिन adt क्या है? a तो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इनटू dt, तो क्या हो गया? it is same as dv, दिस स्मॉल एरिया गिव्स यू ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, सो द टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया विल बी टोटल चेंज इन वेलोसिटी, सो एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये बात सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का एरिया कितना होगा भाई? हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन। ये dt, adt क्या देगा? रेक्टेंगल का एरिया। का a एरिया है। हाँ, dA, कैपिटल A इज एरिया, कैपिटल A इज एरिया, स्मॉल A इज एक्सीलरेशन, a इनटू dt इज ए स्मॉल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा? ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो। आंख बंद करके विश्वास रखो कि हम गलत नहीं बोल रहे। The area under the diagram is क्या है? Change in velocity। बस इसके ऊपर दो तीन important question करवाना चाहेंगे, क्योंकि आसानी से हर जगह books में नहीं मिलता है, तो मैं बताना चाहूंगा। For the velocity time diagram, shown in figure, draw the acceleration time diagram. Acceleration time diagram, कोई एक velocity time diagram आपको दिया गया है, आपको acceleration time diagram draw करना है। Data क्या है? Velocity time diagram, ठीक है। मैं एक velocity time diagram आपको देता हूँ। Supposing हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसा बदल रहा है, ऐसा गया, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया,
नाउ आई वांट टू ड्रॉ द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। कैसा दिखेगा ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम? एट डिफरेंट इंटरवल्स में ड्रॉ करना चाहता हूँ ऑन द सेम स्केल, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और दिया हुआ है क्या बताओ, ये वेलोसिटी है, मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्रॉ करना है। और दिया है यहाँ पर दिस वैल्यू इज 10, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9, दिस इज t इन सेकेंड, और मुझे एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द पीरियड 0 to 5 ये समय में क्या ये बॉडी एक्सीलरेशन में था? हाँ था। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। कितना था, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन? 10/5, 10/5 होता है 2, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट, कितना 2, तो हम कहेंगे ये 2 था, हर जगह एक्सीलरेशन 2 था। 5 से 7 के बीच में, 5 के 7 के बीच में व्हाट वाज द वेलोसिटी? द वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी बदलता है। There was no acceleration. The diagram goes like this. मैं थोड़ा सा कि इसको फिगर को बदल दूंगा ताकि आपको दिखेगा। Yes. The diagram goes like this. तो acceleration इस पीरियड में जीरो हो गया। उसके बाद due to from 7 to 9 ये पीरियड में acceleration था कि retardation था? रिटार्डेशन था, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन था, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव था। अच्छा ठीक है, जो भी था वो कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था? यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म था। कितना था रिटार्डेशन? 10/2, 10/2 क्या होता है? 5, दैट मींस रिटार्डेशन वाज 5, एक्सीलरेशन कितना था? -5। तो ये पीरियड में हर समय एक्सीलरेशन -5 था। डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, नीचे आया, ऐसे गया, ये हो गया एक्सीलरेशन -5। फिर ये उसके बाद मोशन ही खत्म, एक्सीलरेशन खत्म, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्सीलरेशन वाज -5। क्या मैं फिगर को ठीक से समझा पाएगा? फिर और एक बार वो 7 से 9 का इंटरवल मेरे को फिर से जानना है। ड्यूरिंग द इंटरवल 7 टू 9 इस इंटरवल में हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो घट रहा है, मतलब पार्टिकल वाज रिटार्डेशन अंडर रिटार्डेशन। हमें पूछा गया है कि बताओ क्या था रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज अ स्लोप, इट वाज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बिकॉज द वीटी डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन, हियर वी स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा तो फिर कितना घट गया देखो, तो वेलोसिटी 10 से 0 हो गया, कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में। तो स्लोप इसका क्या होगा? टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा? 10/2, 10/2 5 होता है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं बोल सकते क्यों होता है। समझ में आ गया क्या? yes, इसका मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन वाज 5 तो एक्सीलरेशन क्या था? -5। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? मैं अगर दूसरा कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दूंगा तो आप लोग इसका एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम कर सकते हो क्या? यस सर। लेट्स सी, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। मैं कोई एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको यहां पे, आई गिव यू ए वेलोसिटी टाइम डायग्राम। यस सर, हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि सडन चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो सकता, ये क्या है भाई? एक्सीलरेशन है। बेटा हुआ इसलिए तो बाप हुआ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, कोई बॉडी को हम फोर्स दे के ले रहे हैं, वो एक्सीलरेट कर रहा है, मेरा मन जब किया तब छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया एक्सीलरेशन तुरंत क्या हो गया? जीरो। एक्सीलरेशन के सडनली बिकम जीरो। सर वो जो हम लोग स्ट्रेट लाइन की तो वो इनफाइनाइट। हां समझ में आ रहा ना, देयर कैन बी अ सडन चेंज इन एक्सीलरेशन बट सडन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट परमिसिबल। एनीवे वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट। हम कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दे रहे हैं और आपको बताना ये है, आपको ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम के लिए करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा।
ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम, ठीक है। और मुझे ड्रॉ करना है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू इट प्रोवाइडेड आई गिव यू द डाटा। डाटा ऐसा दिया है, ये पॉइंट का है कि ये दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है इधर ऐसे दिया है 4 सेकेंड्स। चलो थोड़ा और खींच लेते हैं नीचे, यस ये इतना नीचे आने की जरूरत है, ये हो गया, ये हो गया। तो हमें अब दिया है कि ये वैल्यू है 4 सेकेंड्स, ये है 6 सेकेंड्स, ये टाइम है, ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है, और ये वैल्यू दिया है सपोज समथिंग लाइक 8। और मुझे एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो तो कितना सिंपल है। ड्यूरिंग द पीरियड 0 to 4 सेकेंड्स, 0 to 4 सेकेंड के पीरियड में ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी टाइम डायग्राम वाज अ स्ट्रेट लाइन, नहीं? हाँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था तो एक्सीलरेशन कितना था? स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? टैन थीटा, दिस बाय दिस, 8/4, 2। तो हम कहेंगे ये एक्सीलरेशन कितना था? 2। कब तक? यहां तक कांस्टेंट था। उसके बाद 4 to 6 में, 4 to 6 पीरियड में इट वाज रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड घट रहा था। इन दैट टू यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम इस लाइन से ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे। कितना होगा पहले तो निकालो। टैन थीटा कितना है? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस हो गया 8/2, ये डिस्टेंस है 2, 8/2 हो गया 4। तो हम कहेंगे रिटार्डेशन था 4, मतलब एक्सीलरेशन था -4। ये फिर ऐसे हो गया, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम से एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम कैसे निकालेंगे। मेरा इंटेंशन ये था उल्टा वाला, कि एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम से वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मैं आपको एक छोटा सा चीज पूछूंगा, ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन टू टेस्ट योर नॉलेज। मैं आपको एक डायग्राम ऐसे दे रहा हूं, ये डायग्राम में सब कुछ आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? डाटा वगैरह दिया गया है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, और दिया है इसमें ये वेलोसिटी कितना है, दिस वेलोसिटी इज, दिस वेलोसिटी इज -3, और ये कितना है 5, ये कितना है, दिया है कि यहाँ पर जो वैल्यूज है ऐसा दिया है, और दिया है कि यहाँ पर जो टाइम है दैट इज इक्वल टू से इट इज 4, और ये ऐसा है, ये है 6। ये दे दिया वेलोसिटी टाइम डायग्राम, और आपको ड्रॉ करना है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। तो उसके लिए मैं जगह बनाया है यहाँ पे, आपको बताना है कि हाउ विल बी द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। आई होप यू कैन डू इट, थोड़ा सा ट्राई करिए। एक ही होगा नेगेटिव माइनस, यस यस यस, उसके बाद कांस्टेंट होगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा बस, उसके बाद तो सोच। तो शुरू से क्या दिख रहा है आपको? जो एक्सीलरेशन था वो एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? इट वाज रिटार्डेशन, यस, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था, यस। तो आपको क्या पता करना है? स्लोप कैसे? टैन थीटा निकाल के, टैन थीटा निकालना है, टैन थीटा होता है 10/10। क्या ये पूरा चीज कितना है आपको मालूम है? यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 3 है, टोटल कितना हुआ? 8। समझ में आ रहा है क्या? ये हो जाएगा 8, और ये डिस्टेंस तो है 4, 8/2 हो गया 4, मतलब रिटार्डेशन वाज 4, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन? -4, एक्सीलरेशन वाज -4, मतलब ये ऐसे चलेगा नीचे, -4 में चलेगा। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन तुरंत बन गया 0। डायग्राम गोज लाइक दिस, खाली निचले हिस्से में एक रहेगा -4 और इधर रहेगा टाइम। -2 हो रहा है क्या? मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। हाँ, -2 हो रहा है, सॉरी सर, ये हो रहा है -2। अरे बढ़िया है, तो हवा हवा बोल देते हमारे ऊपर, ठीक है, बढ़िया, यू आर सो अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमें अगर एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया होगा तो हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव फॉलोज फॉलोज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम एज शोन। Draw its velocity time diagram. ध्यान रहे, मैं velocity time diagram draw करना चाहता हूं। Acceleration time diagram दिया हुआ है, कैसा है वो acceleration time diagram? दिया हुआ है कि दिखने में acceleration time diagram ऐसा है, चलो मानते हैं कि ऐसा गया, ये है acceleration, ये हुआ आपको पूछा गया है कि बताओ इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होगा, आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ध्यान रहे यहाँ पर वैल्यू दिया है, से इट इज गिवन 3, और यहाँ पर वैल्यू दिया गया है सपोज इट इज 2, ये दिया गया है वैल्यू -2, और यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 6, सब कुछ सेकंड में है, और ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मुझे वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा ध्यान से देखना भैया, थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई विल ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम हियर, ठीक है? अच्छा, अगर ये बात है तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन को मैं करता हूं, आप लोग ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑन दी सेम स्केल, पहले मैं ऐसे ऐसे लाइन खींच लिया और फिर मैं देखा। अच्छा, ये 0 to 4 सेकेंड के इंटरवल में द पार्टिकल वाज अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब वीटी डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन और कर्व। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट वाज 0, से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो इट्स ए स्ट्रेट लाइन गोइंग लाइक दिस। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, जब वो यहां पर आके पहुंचा, कहां पर पहुंचा मालूम नहीं, कितना वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय द एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, 3 × 4 है कि नहीं, एरिया हो गया 3 × 4, मेरे मतलब यहां से यहां तक जाते जाते वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 12, शुरू में था कितना, 0, बढ़ के कितना होगा, 12, अच्छा पहले 0 था अब 12 हो गया, मतलब द डायग्राम सेज दिस वैल्यू इज 12, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू, एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी, ये 4 सेकंड था तो ये एरिया हो गया 3 × 4, समझ में आ रहा है क्या? Yes, ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था, रिटार्डेशन था, वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, यूनिफॉर्मली घटेगा कि नॉन यूनिफॉर्मली घटेगा, यूनिफॉर्मली अगर घटेगा तो जो वीटी डायग्राम है वो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन, कितना घटेगा एरिया, एरिया देखो कितना घटेगा, एरिया ये है 2 और ये भी है 2, 2 × 2 = 4 घटेगा, था कितना 12, अब स्ट्रेट लाइन में घटेगा 4 घटेगा तो बनेगा कितना 8, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर, ये बन गया 8, बुक में नहीं है थोड़ा इसलिए मैं बता दिया, इसको ढूंढने से थोड़ा आपको तकलीफ होगा। उसके बाद अब वेलोसिटी कितना है, t is equal to 6 सेकंड में वेलोसिटी कितना है 8, उसके बाद क्या एक्सीलरेशन था, कोई एक्सीलरेशन नहीं था, एक्सीलरेशन नहीं था मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब डायग्राम कैसे जाएगा, स्ट्रेट गो लाइक दिस, सो ऐसा एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम का ऐसा होगा वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सर वो तो
हुई तो मैं बता रहा हूँ एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो बरकरार रहेगा, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी जीरो होता है क्या? नहीं सर, वो 8 का स्पीड हो जाएगा। हां 8 मीटर पर सेकंड में चलते रहेगा, चलते रहेगा। सर हम लोग कह नहीं सकते कि वहां पे मोशन रुक गया, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, हम तो नहीं बोल रहे मोशन रुक गया, हम बोल रहे हैं एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ही, वहां से वेलोसिटी 8 में कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा वो 8 मीटर पर सेकंड में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा दूसरा डायग्राम देने से आप लोग एक तो ट्राई कर लो मेरे लिए, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 4 मीटर पर सेकेंड एंड फॉलोज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम एज शोन, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ठीक है, तो एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया गया है आपको, सिंपल सा है, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया गया है, दिया गया है कि द एक्सीलरेशन वाज लाइक दिस, ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम है, पूछा है वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यस, डाटा दिया हुआ है सब कुछ, ये है सा, ये है सा, और क्या डाटा दिया है, दिया है कि ये दिया है 6 और ये जो वैल्यू है दिस इज गिवन समथिंग लाइक से 3 और ये दिया है 4 और ये दिया है से 8। चलो ऐसा दिया है, पूछा है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होगा, चलिए सोचते हैं, चलिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड था, मतलब जब t = 0 था ऑलरेडी देयर वाज सम वेलोसिटी, कितना 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एक्सीलरेशन हुआ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हुआ, 4 सेकंड के तक हुआ, वेलोसिटी पक्का बढ़ा होगा और कांस्टेंट एक्सीलरेशन था तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम मस्ट हैव बीन ए स्ट्रेट लाइन, तो पक्का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा होगा। तो जब 4 सेकंड बीत गया था तब वेलोसिटी में कुछ बदलाव आया था, व्हाट वाज द चेंज इन वेलोसिटी, एंड दैट इज गिवन बाय द एरिया अंडर द डायग्राम, व्हाट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, 6 × 4 = 24, पहले था 4, वेलोसिटी बदल गया 24 ड्यू टू एक्सीलरेशन, मतलब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 28। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, 4 से 28 कैसे हुआ, समझ में आया क्या? वेलोसिटी yes, बढ़ गया 6 × 4। दोबारा बोलते हैं, देख लीजिए, जब तक ये वेलोसिटी बढ़ने लगा, ये एक्सीलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ने लगा, हम देखें कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा, यूनिफॉर्म है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी, एरिया कितना है, ये 6 है, ये 4 है, तो 24 है, चेंज इन वेलोसिटी इज 24, वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 24, व्हाई इंक्रीज, बिकॉज़ इट वाज एक्सीलरेशन, पहले कितना था 4, इनिशियल वेलोसिटी 4 था, 24 प्लस 4 हो गया 28, तो ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ गया और बन गया 28। क्या ये बात हजम हो रहा है? यस सर। आगे 4 to 8 सेकंड में क्या ये एक्सीलरेशन था? हाँ, ये भी तो एक्सीलरेशन था। क्या वेलोसिटी बढ़ेगा? हाँ, ये भी बढ़ेगा। क्या स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा कि ग्राफ में बढ़ेगा, कर्व में? ये तो यूनिफॉर्म था, कर्व में बढ़ेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, वीटी डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपको थोड़ा सा सोच के यहाँ पर दिमाग पे जोर लगाना है कि आपको बताना है, थोड़ा देखो और बताना कि ये जो वीटी डायग्राम अभी मैं आगे की करना चाहता हूँ वो वीटी डायग्राम कैसे होगा, ऐसा होगा, जस्ट थिंक, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ए बी सी, कौन सा होगा,
कौन सा होगा, नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा कि सीधे में होगा? अरे एक्सीलरेशन कम है, एक्सीलरेशन कम है मतलब स्लोप भी तो कम होगा नहीं? एक्सीलरेशन पहले था 6, यहाँ पर हो गया एक्सीलरेशन कितना था 3, लेसर एक्सीलरेशन, लेसर एंगल, लेसर स्लोप। तो समझ में आया कि ये जो डायग्राम है ये सीधा ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये तो कुछ ऐसे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बेंडिंग आ रहा है यहाँ पे, मतलब अपनी वेलोसिटी बढ़ रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? अरे जितना इसका एरिया है, जितना एरिया उतना बढ़ेगा। एरिया कितना है? दिस इज 4, दिस इज 3, 4 × 3, फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगा 12, नहीं? यहाँ पर था कितना? 28, बढ़ गया 12, हो गया कितना? 40, तो आप कहोगे कि वेलोसिटी हैज बिकम 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हैज बिकम 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा? 40। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। द डायग्राम गोज लाइक दिस। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए और ढेर सारे क्वेश्चंस भी दे दूंगा, थोड़ा समय की पाबंदी है, मैं क्या करूं, ठीक है? एनीवे चलिए आखिरी क्वेश्चन आपको देता हूं, देखता हूं कि कौन इसका सही डायग्राम बना सकता है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम एज शोन, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अब इसका जो आंसर सही बताएगा वो आज की क्लास का मैन ऑफ द क्लास होगा। हाँ, मैन ऑफ द मैच होता है ना, तो आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। और एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप लोग जब सारे कर लोगे उसके बाद मैं बना दूंगा, आप बोलना किसके किसके आंसर मेरे साथ मैच कर गया। मेरा दिमेज बोलने के लिए गलत शब्द मत बोलना, आप बोलोगे नहीं मुझे भरोसा है। आई एम गिविंग यू सम एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम एंड आस्किंग यू टू प्लॉट द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। मेन ऑफ द क्लास बनना है तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए। ये हो गई क्लास, मैं एक्सीलरेशन प्लॉट कर रहा हूं, गोज लाइक दिस, ठीक है, और फिर गया ऐसे, फिर क्या हुआ, फिर हुआ ऐसे, फिर क्या हुआ ऐसे, फिर क्या हुआ ऐसे। सो दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम गिवन, डाटा सब कुछ आपको दिया गया है। ये दिया गया है समथिंग लाइक 6, अच्छा ये पीरियड का टाइमिंग दिया है समथिंग लाइक 4, ये 6, और ये भी डाटा दिया गया है -3, और ये दिया है 8। ये दिया है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, और पूछा गया है कोई जो इसका भी आंसर बता लेगा। बताने के बनाने के बाद चुपचाप बैठो, मैं अपना आंसर बनाऊंगा, उसके बाद आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया तो आपका आंसर सही है, नहीं मैच किया तो गलत है। तो दैट वे यू विल बी एबल टू सी, यू आर गिवन ओनली 2 मिनट्स टू प्लॉट द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। स्टार्ट नाउ, ये दिया है 4, ये दिया है 6, ये दिया है 8, ये है टाइम। आपको वीटी डायग्राम ड्रॉ करना है ऐसा कोई केस के लिए। कोशिश सबकी जारी है, देखते हैं कौन बना पा रहा है। पहले सी द डायग्राम एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। यस, आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है भाई, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यस, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, उसके बाद एक्सीलरेशन था,
ये कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन था कि वेरिएबल एक्सीलरेशन था? कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन था। अरे भाई एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम है, एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, इट इज ए इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन केस। क्या वीटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? कर्व होगा और इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है भैया, ये कुछ ऐसा होने वाला है। आर यू गेटिंग? अच्छा ऐसा होने वाला है, मतलब जब 4 सेकंड बीत जाएगा तो क्या कोई मेरी मदद करेगा बताने के लिए कि तब तक कितना वेलोसिटी बढ़ गया होगा? अरे रडी दिस एरिया, नहीं क्या ही एरिया, हाफ 4 × 6 इज 12, तो बढ़ के कितना हो गया होगा? 12। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। नो 4 to 6 सेकंड में एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन? नो, इट वाज आल्सो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वाज पॉजिटिव, पॉजिटिव होने से एक्सीलरेशन करते हैं, नेगेटिव होने से रिटार्डेशन करते हैं। अब भी ये एक्सीलरेशन था, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? अरे अभी भी एक्सीलरेशन था, कभी 6 था फिर कभी 5 हुआ, लेकिन एक्सीलरेशन तो था। वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन एक्सीलरेशन घटेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा और एक्सीलरेशन घटेगा, मतलब जो वीटी डायग्राम होगा स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? कर्व होगा। इट इज अ केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, पहले एक्सीलरेशन बढ़ते बढ़ते 6 हुआ था, फिर घटते घटते 0 हुआ है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो वीटी डायग्राम कैसे दिखता है? आपको मालूम है कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन में ऐसे दिखता है, नहीं? Decreasing acceleration will be like this. VT diagram ऐसे बन गया, curve, acceleration घट रहा है। अच्छा acceleration घट रहा है लेकिन velocity तो बढ़ रहा है, कितना velocity बढ़ जाएगा? जितना इसका नीचे एरिया है, इसका नीचे कितना एरिया है? 2 × 6 × ½ it is 6, मतलब velocity बढ़ेगा 6। अब कितना था? 12, बढ़ गया 6, तो क्या होगा? It will be 18. Next was acceleration or retardation? Retardation. It was negative acceleration. Velocity बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो जो VT diagram होगा straight line होगा कि curve होगा? Straight line होगा। Linearly घटेगा? Linearly घटेगा, मतलब कितना घटेगा? ऐसे कितना घटेगा? 2 × 3 = 6 घट जाएगा, है कि नहीं? 6 घट जाएगा, मतलब 18 से 6 घटा तो कितना बन जाएगा? 12, मतलब फिर से 12 बन जाएगा। उसके बाद क्या कोई एक्सीलरेशन था? नहीं था। तो क्या होगा वेलोसिटी को? 0 हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। द डायग्राम गोज लाइक दिस। सर अभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा कर दो। अभी अगर कोई अब मैं पूछूं आप लोगों को तो बताओ किसका सही आंसर आया कोई? वो आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ दैट गर्ल। What's your name? Sir, my name is Sarvani Satpathy. Sarvani Satpathy? Yes, sir. Sarvani Satpathy become? Sir, Suhani. Suhani Satpathy. Suhani Satpathy to man of the match nahi ban sakta. Woman of the match. Okay, fine. Sit down. Now you are woman of the class today. बढ़िया है, आपके नाम उभर के सामने आया और आप इतने अच्छे सोच पाए, आई कांग्रेचुलेट यू। इट इज नॉट इजी टू थिंक फॉर एवरीवन। इधर तुम्हारा हो गया था, ऋतुजय का भी हो गया था, तो वेरी गुड, वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। हम लोग और ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन सारी चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते तो खत्म करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।